हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लिए इतिहास और संस्कृति की बुक्स, जिसमें हमने पहले 9th क्लास की बुक पूरी पढ़ी, जिसमें 7 चैप्टर थे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, जिसका हम पहला चैप्टर उस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनएक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक के में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन सभ्यता और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उसकी भौगोलिक विशेषता के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी था, आया है मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सुसेन आदि। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही हो है और उसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरु स्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाया था और कालांतर में मारवार कहा जाने लगा। जंगल प्रदेश शब्द का प्रदेश प्रयोग उस क्षेत्र में के लिए किया जाता है जहां समय केरू व पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहला गया था। मत्स्य, जिसका उल्लेख मध्य भारत महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत था। उसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। वो है माही नदी के पास का प्रतापनगर का भूभाग कांठल कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे यानी किनारे यानी कि कांठे पर स्थित। हाँ, 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहलाया था। भैंसरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है और उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। अजमेर का प्राचीन नाम मांड था और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। इतिहास का काल विभाजन, मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्राग युग काल, आज्ञ युग काल और ऐतिहासिक युग। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला के अपचारित था। आज्ञ युग की ज्ञान इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु वे अस्पष्ट हैं अथवा उसकी लिपि को अभी पढ़ाना संभव न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस युग इस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राग युग, यह युग सृष्टि के आरंभ में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आज्ञ युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और तीसरा है ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी से पूर्व वर्तमान तक जारी है। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान
प्राग युग के राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों से हुआ था, क्योंकि नदियों नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कलमूल फल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा और दशवंती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसे भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं और इसे तीन भागों में बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। सबसे पहले है पूर्व पाषाण काल। राजस्थान के मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ में से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाले। कुछ समय पश्चात सेंटन कार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन से भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली डेक्कन कॉलेज पूना ने वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास, उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्ण पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग में उपकरणों की खोज का श्रेय B.H. Alcherian को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्ण महापाषाण पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। फिर है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी के दूसरी कड़ी में के रूप में राजस्थान के प्रयोग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराट नगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। यह उपकरण जेस्पर, एगेट, चट, कार्नियल, क्वार्ट्जाइट, क्लेसोडोनी आदि पत्थरों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, ग्रेवर, ट्राइगेंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्केपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों में को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। फिर है उत्तर या नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजस्थान में धातु काल। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र काश्य काल धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो
तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सिक्कर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गुलुंड, राजसमंद, आहाड़ व झालोड़, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़गढ़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया व पुगल, बीकानेर, नंदल, लालपुरा, किराड़ोत, चित्तवाड़ी, जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहौली, मसवाई माधोपुर, महाल, भलतपुर आदि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर है लोह काल। ताम्र और काश्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरिक घटना थी। इसके कृषि उपकरणों का तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे प्रदेश को ही बदल दिया। राजस्थान में नोह, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय से अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुर तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाट नगर की संज्ञा दी गई है। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों में भांति की राजस्थान में भी सिलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराट नगर व जोधपुर, जयपुर, सुनहरी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। फिर है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें है कालीबंगा की सभ्यता। प्राचीन दंश द्रंतियों, दंश द्रवृति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ के खुदाई के दौरान प्राप्त काले चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। और सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल के बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाक हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकड़ प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं इसके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा इसमें सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिस पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते हैं। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की सवा धान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज पर का परिणाम माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ियां, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। फिर है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बसने वाली आहड़ नदी या आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे
धूल कोट या धूल यानी कि मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कृति व्यास एवं उसके बाद रत्नचंद्र अग्रवाल एवं HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के में के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते हैं। अहर के लोग अपने मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते हैं जो इसके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलती है जो यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। फिर है गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले के में स्थित गिलुंड कस्बे के बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से लेकर 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोस्टन के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन के से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका समय 1900 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड के 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दभांड, उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटें आग से पकने हेतु ईंटें का उपयोग नहीं हुआ है जबकि गिलुंड में इसका प्रचुर उपयोग होता था। फिर है बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठरी नदी तट पर डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4,000 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के अखेटन होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशु पालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। फिर है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रामचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध का उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है जो इस क्षेत्र के तांबे की प्रचुर प्राप्ति का परिणाम है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृष्ण कृपण वर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं हैं भीनमाल जालोर की सभ्यता की भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र वह एक यूनानी सुराही मिली है जो इनके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव
जी की डूंगरी के हड़प्पा सभ्यता व मौर्य कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। बैराट के एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भ्रभ्रू उल्लेख अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अतिरिक्त हमें रंग महल, हनुमानगढ़, ओझियाना, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़, बरोर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनहरी, झुंझुनू, नोह, भरतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य की संस्कृति का प्रचार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी के आसपास के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद है, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा व चक 64 में मिलते हैं। महाकाव्य रकाल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियां के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाया ना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोध्य अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहां समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। राजस्थान महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश यानी बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य का उसका मित्र था। अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष भेद बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अधिक अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक वह लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के प्रारंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय राजनीति के मंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम है जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। फिर है राजस्थान के जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसे जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान में अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। फिर है मत्स्य जनपद। आर्य जन के
रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है और उसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और क्वथितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत की मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की जाती है। अनुमान है कि दक्षिण में उसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब के सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस काल के मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परिरक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के समय मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराट नगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राट ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट के से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्वकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत का मुसलमानों के आधिपत्य तक अपने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, वह बाण भट्ट के हर्षचरित तथा कादंबरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हंग सेंग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को यही क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सार्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासन वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का
अध्ययन करेंगे। इसके मत वह उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। फिर है वैदिक आर्यों की संतान। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा तथा सी वी वैद राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण या राज्यन वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथना अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडोल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे शरीर से ही यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों के संतान है। अग्निकुंड से उत्पन्न चदम्ब हरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र गौतम अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस अनुष्ठानों को राक्षस मांस हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने उनसे निपटाने हेतु यज्ञ कुंड से तीन योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने के में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम तीन से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड या यज्ञ कुंड से की जाती है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेत को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रियों जो बौद्ध बन गए तथा प्राचीन आदिवासी भील मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक हूण युचि आदि का यज्ञ द्वारा शुद्धि कर के क्षत्रिय वर्ण के शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वस्त्र गोत्री ये ब्राह्मण बताया गया है। के अतिरिक्त इसके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का काट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहिदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत पर तर्क सहित खंडन करते हैं। फिर है विदुषियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक तथा सिथियन जाति के वंशज हैं। टॉड के ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जाति छठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टॉड के ने राजपूतों को शक वह सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक सिथियन और हूणों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्व मेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि
अतः दोनों जातियां यह एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी ए स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सिथियन के रीति रिवाजों से सभ्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक पुराणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों में साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण के से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं को सम्मानित कर लिया। डॉक्टर कानून को उन्हें ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उसकी सूर्य तथा चंद्र के उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है, चाहे राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उनके महाकाव्य के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। फिर राजपूतन राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर राज समन चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने प्रमुख तह मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैनसी वह गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा बना। बप्पा रावल जो कि है 734 से लेकर 753 ईस्वी, इसमें राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ का पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कोशा कैलाशपुरी में एकलिंगजी कुली कलुशीस मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगजी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब था। ऐसा मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया थी। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेज फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप से सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। फिर है जैत सिंह। जैत सिंह है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक गुहिल के ही एक वंशज। जैत सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। इसका वर्णन जैत सिंह सूरी के ग्रंथ हमीद मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है।
डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने जैत सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत सिंह हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। फिर है रतन सिंह 1302 से लेकर 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक प्रतियोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर दिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतुह के अनुसार में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन के अपने पुत्र खिरजा खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद कर दिया। रतन सिंह ने मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। राणा हम्मीर 1326 से लेकर 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हम्मीर के 1336 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हम्मीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद मेवाड़ के सभी प्रशासक सिसोदिया कहलाते हैं। हम्मीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा में दी गई है। हम्मीर ने सिगोली बांसवाड़ा के युद्ध में महमूद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। महाराणा लाखा जो कि 1382 में से लेकर 1421 ईस्वी 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ास के साथ होना था, मगर परिस्थिति वंश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ा का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिसमें लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइनस में चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी मोकण महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मुगल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। फिर है महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 ईस्वी। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंत का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ पर कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर
बंदी बना लिया। इस विषय में विजय के उपलक्ष में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, उसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1453 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी वह गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से देश दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास जी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। का शिल्पी मंडल था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद स्मृति मीमांसा उपनिषद व्याकरण एवं राजनीति में अभिरुचि रखता था। संगीत राज संगीत ममसा वह सुन प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्री और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि की रचना की थी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रस्तुतियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभी नवर भरताचार्य, हिंदू सुरताण आदि विरुद्धों से विशुभित किया था। कुंभा निस्संदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसने पुत्र उदा ने 1438 ईस्वी में उसकी हत्या 68 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। फिर राणा सांगा 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक महाराणा सांगा या संग्राम सिंह वह उसके तीन भाई पृथ्वीराज, जयमल वह राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उसमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदुपद के नाम से प्रसिद्ध राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकार उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिरीना राय के संयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय संगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया।
इडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खानोती वर्तमान के कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा का पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर इसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। किंतु दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी ही थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलुगन मा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, राणा सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा यानी कि दोसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। फिर राणा उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के संयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के संयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ का पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने दो सैनिक सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता में मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्ति लगवाई। फिर है महाराणा प्रताप, जो कि है 1572 से 1597 ईस्वी तक 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। इस समय दिल्ली का मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचार से उसने सामंतों और भीलों को एकजुट किया और एकजुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए अग्रत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था
मैं उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी में से लेकर 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और तोडर मल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी में कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल यानी कि सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खान सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालावीदा ने प्रताप की मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा है? ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ। लाल, पीली और काली मिट्टी तीनों रंगों वाली मिट्टी है, फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि हल्दी चढ़ी कई नव विवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी। ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुर रहीम खान खाजा के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीष्म संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुशल कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार हिरिमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना भी यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर इस राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चांडव को अपनी राजधानी बनाना और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चांडव के पास बाड़ोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के प्रबंधन में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या इससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मैराथन
कि थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। फिर है राणा अमर सिंह 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणकारों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार मार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ में लौटा दिया गया मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर है महाराणा राज सिंह जो है 1652 से लेकर 80 ईस्वी तक। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टर्ड ताल मलोट करना करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो के संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 600 जात एवं सवार का मंसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होना वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1680 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों के पास साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। फिर है मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश की प्रतापे शासक। तो इस तरीके से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में दो पार्ट बना के पढ़ेंगे। तो आज के इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम इसका बचा हुआ आधा पार्ट पढ़ेंगे और आगे की इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।